तो भाई अभी हम हैं APJ अब्दुल कलाम हाउस। और भाई कन्याकुमारी से यहाँ तक 250 किलोमीटर यहाँ तक आगे अभी हम पहुँच गए हैं सियालगुड़ी। यहाँ से अभी लेते हैं बस या तो या हिचहाइकिंग मिलती है हिचहाइकिंग करते हैं वरना बस से चल। तो भाई कोई एक बीच स्टेशन आया उस पर रुके हैं। यहाँ पर टिकट मिला है ना वो इस तरह का है देखो 115 रुपये का है टिकट और 115 किलोमीटर की भी हमारी मतलब यात्रा रहेगी या बस में। और बाहर वो सारे एक जैसे स्टेशन होते हैं सेम ही है बस थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। वैसे हिंदी में बोलने वाले और इंग्लिश में बोलने वाले बहुत सारे हैं। तो भाई अभी हम रामनाथपुरम बस स्टैंड पर आए हैं। रामनाथपुरम एक ज़िला है रामनाथपुरम, यहाँ से 55 किलोमीटर रामेश्वरम है। तो भाई हम पहुँच गए हैं अभी रामेश्वरम, यहाँ बस स्टैंड पर अभी उतरे हैं अभी और यहाँ अभी कोई रूम ढूंढते हैं भाई। यार यहाँ पंगा रहता है, सिंगल आदमी को रूम नहीं मिलता, फैमिली को ही मिलता है यार कोई, वो इनके अलग अलग रूल बना रखे हैं भाई। चलो देखते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच गए रामेश्वरम, अभी मैंने होटल ले लिया और डोमेट्री रूम नहीं भाई डोमेट्री हॉल मिला है पूरा हमें, तो वो जाने के बाद भी दिखा देंगे वहाँ पर भी। और अभी मैं आया हूँ यहाँ खाना खाने के लिए और वहाँ पर आगे देख रहे हो वो रामेश्वरम टेम्पल है वहीं पर। तो भाई पहले खाना खाते हैं। तो भाई खाना खाने में मिला है रोटी सब्जी। तो भाई खाना हो गया कम्प्लीट, 100 रुपये थाली के हिसाब से लगता है। यहीं पर है ना मंदिर वाली लाइन में बहुत सारे खाने के शॉप मिल जाएंगे। मैंने यहाँ बाबा रामदेव भोजनालय वहाँ पर खाना खाया भाई। यहाँ पर सब वेजिटेरियन फूड मिलेगा और नॉन वेज का भी ऑप्शन इस तरफ दूसरी तरफ है, मंदिर वाली लाइन में नहीं है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामेश्वरम। तो भाई रात को मैं यहाँ होटल पर आ गया था, नीचे रिसीप्ट वगैरह बनाने के बाद ऊपर आके देखता हूँ भाई, बोला डोमेट्री हॉल है, हॉल कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हम सो रहे थे, वहाँ पर वो लॉकर है, लॉकर मिल गया सामान रखने के लिए। बस बड़ी दिक्कत क्या है कि चार्जिंग का प्रॉब्लम रहता भाई, चार्जिंग का सोफे वहाँ पर है वहाँ पर है। अभी चार्जिंग लगा दिया लेकिन कुछ काम करना होता है वो काम नहीं हो पाया, लेकिन डोंट वरी जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। यहाँ रहने का चार्ज मुझे 300 रुपये पड़े, तो भाई रूम लेते हैं उसके लिए 600 रुपये रहता है। इतना आसानी से रूम भी मिलता नहीं है क्योंकि भाई सिंगल बंदे को यहाँ तमिलनाडु में कहीं भी रूम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है भाई। अभी यहाँ टूरिस्ट का इतना सीजन नहीं है तो आसानी से मिल जाता है, सिंगल बंदे को भी रूम मिल जाता है। तो भाई अभी हम खाना खाने के लिए चटनी तो भाई अभी मैं उसे रामेश्वरम टेम्पल के सामने, आज ये भाई मंदिर क्लोज है 3 दिन के लिए, मंदिर क्लोज रहता है फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए। रामेश्वरम की फेमस टूरिस्ट प्लेस ये है भाई, आज ये क्लोज है यार। तो भाई अभी हम हैं APJ अब्दुल कलाम हाउस। तो भाई घर के अंदर सेकंड फ्लोर पर म्यूजियम बना हुआ है और भाई कौन कौन सी मिसाइल पर काम किया उसका सबका मॉडल है रखा हुआ अंदर, छोटे छोटे मॉडल बने हुए हैं और बुक्स वगैरह सारे फोटोग्राफी मतलब पूरा म्यूजियम है अंदर, वीडियो एंड फोटोग्राफी अलग नहीं है भाई। तो भाई यहाँ जब आप रामेश्वरम में आओगे तब घर के अंदर घूम सकते हो और वीडियो वगैरह अलग नहीं है, तो इसके लिए हम समझ चाहते हैं। तो भाई रामेश्वरम में आना यहाँ घर पर आ गया वो मेरे लिए सब पूरा रामेश्वर घूम लिया मान लो, क्योंकि भाई यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में।